इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। फोटो निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में आज और कल स्पेशल कैंप आयोजित किए गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के दूरस्थ अंचल के मतदान केंद्र क्रमांक 101, 102 और 103 शासकीय प्राथमिक शाला भवन रामपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम नेहा सोनी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। दमुआ थाना क्षेत्र में कलेक्टर मनोज पुष्प एवं एसपी विनायक वर्मा ने फीता काटकर परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। विनायक वर्मा ने कहा कि स्थानीय समस्या का निराकरण स्थानीय जगह पर हो सके, लोगों को लंबी यात्रा न करना पड़े, जनता की सुविधा को देखते हुए परामर्श केंद्र को क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि केंद्र से महिलाओं को अच्छी परामर्श मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ऊर्जा महिला डेस्क के माध्यम से परिवार परामर्श केंद्र को आज से दमुआ में संचालित किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये परिवार परामर्श केंद्र के अलावा अन्य मुद्दों पर भी महिलाएं हैं उनको अच्छी परामर्श मिलेगी यहाँ पर, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और मूल उद्देश्य उसका लोकेशन स्थान पर होना है कि स्थानीय बड़ी लंबी दूरी जिले की तय किए बिना स्थानीय समस्याओं का स्थानीय हल ढूंढ सके, महिला शक्ति को दूर दूर तक भटकना ना पड़े अपनी समस्याओं का ढूंढने के लिए। हमारी अपेक्षा रहेगी पुलिस की सहायता से, प्रशासन की सहायता से जो भी महिलाएं उपस्थित होती है इस अंचल की, उनकी समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक हल हमको प्राप्त होगा। सांसद नकुलनाथ का आगमन 22 अगस्त को नोनिया करबल में होने जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी नोनिया करबल के वार्ड कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय वंदना लॉन में संपन्न हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने बैठक ली। दीपक सक्सेना ने कहा कि यह एकजुट होने का समय है। नकुलनाथ भूमि पूजन और लोकार्पण करने आ रहे हैं। बैठक में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने रणनीति तैयार की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिलाओं की भागीदारी रही। 22 तारीख को माननीय नकुलनाथ जी सांसद जी नोनिया करबल में एक सभा लेने और सांसद भूमि पूजन और लोकार्पण करने आ रहे हैं, तो सभी पांचों वार्ड के लोगों से मैं निवेदन करने आया हूं कि सबको नकुलनाथ जी कार्यक्रम को सफल बनाएं और कमलनाथ जी और कांग्रेस के महत्व को समझें और सब संगठित होने का टाइम है, ये बिखराव का टाइम नहीं है। आपस के मतभेद बुला के हम सब एक साथ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का साथ दें। सिंधी समाज ने 40वें वृत्त महोत्सव के पावन अवसर पर सिंधु भवन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में हृदय से संबंधित जांच की गई, जिसमें सिंधी समाज सहित क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में इस स्वास्थ्य शिविर का बढ़ चढ़कर लाभ उठाया। हाँ, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि हमारा सिंधी समाज ने 40वां व्रत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इस महोत्सव की खुशी में यहाँ पर निःशुल्क जाँच शिविर रखा गया है। हृदय से संबंधित सभी बीमारी का इलाज यहाँ किया जा रहा है। जिला युवक कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री कमल पटेल और शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। कमल पटेल ने कमलनाथ पर आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और थाने पहुंचकर कमल पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस यूथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से यदि आपत्तिजनक शब्द उपयोग किया तो छिंदवाड़ा में कृषि मंत्री का आना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान जिला युवक अध्यक्ष एकलव्य आहके, शहर अध्यक्ष टीनू धारूवाला, उमेश चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमल पटेल ने हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को अनाथ करने ने और पूरे उसके खानदान को अनाथ करने जैसी और खत्म करने जैसी बात की धमकी दी है। हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से और इस पुतला दहन के माध्यम से हम कमल पटेल को खुली चेतावनी देते हैं, तुम्हारे जो वर्ड है हम अभी 4 महीने के अंदर में जनता के वोटों से तुम्हारे आकर जो शिवराज सिंह चौहान है उसको कुर्सी से उठा के फेंक के हम उसको अनाथ कर देंगे। कमल पटेल का पुतला फूंका गया
इन्होंने विगत दो वर्ष पूर्व माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया था, इन्होंने कहा था कमलनाथ जी को अनाथ कर देंगे और छिंदवाड़ा को अनाथ कर देंगे। मैं चाहता हूँ, मैं कहना चाहूँगा और मेरी जनता से भी अपील है, इस तरह की उसी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री कर रहे हैं ये गलत है। और मैं चाहूँगा, मैं छिंदवाड़ा की जनता से आग्रह करता हूँ कि जब भी इनके सीएम छिंदवाड़ा आते हैं तो पूरी जनता हमारे साथ मिलकर शिवराज सिंह का विरोध करे। यूथ कांग्रेस आपको चेतावनी देती है कि माननीय कमलनाथ जी ने तो बच्चों को पाला है, पोसा है, यहाँ के बच्चों को बड़ा किया है 40 साल में और इस काबिल बनाया है कि आज छिंदवाड़ा भारत के टॉप 10 जिलों में से एक मॉडल जिला बन पाया है। आप अपने जिले की बात बताइए कमल पटेल साहब, अब आप अनाथ होने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान जी और अब आपको अनाथ करने वाली है भूल के भी। क्या आप दो चार महीनों से छिंदवाड़ा आ रहे हैं? माननीय कमलनाथ जी ने 42 साल से हम सबको एक परिवार के रूप में रखा है, जो आज आप अनाथ करने की बात कर रहे हो, आप 4 महीने के मेहमान हो, कुछ दिन बाद यहाँ दिखोगे नहीं हो। कमलनाथ जी ने पूरे छिंदवाड़ा को एक परिवार के रूप में रखा है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। कांग्रेस कार्यालय में आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। राजनीति में उतरना पड़ा और आपको पता है उतरने के बाद हिंदुस्तान हमें मिला, हिंदुस्तान का सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 साल की उम्र में आज स्वर्गीय राजीव गांधी की तरह। राजीव गांधी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी द्वारा उनकी जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जो देश के लिए सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने देश में संचार क्रांति के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से, जो कि आज एक संचार क्रांति सबसे अहम हमारे देश के लिए, हमारे हर व्यक्ति के लिए संचार क्रांति का माध्यम बनी हुई है। ब्रह्म समाज महिला प्रकोष्ठ द्वारा सावन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम मिश्रा कॉलोनी के ब्रह्म समाज भवन में आयोजित किया गया, जिसमें निःशुल्क मेहंदी लगाई गई और प्रतियोगिता आयोजित की गई। महिलाओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग की साजो सज्जा की, सखियों के संग झूला झूले, सावन गीत गाए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। कल सभी हमारी समाज की मातृशक्तियों को, बहन बेटी बहुओं को सुंदर समाज की तरफ से निशुल्क मेहंदी लगाई गई और मनोरंजक गेम्स खिलाए गए, स्वादिष्ट व्यंजनों का सबने लुत्फ उठाया और डांस गाने मस्ती के साथ सभी ने आनंद लिया। और इसी के साथ ही हमने जो हमारे सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक और संरक्षक मंडल है उनका यहाँ पे सम्मान शाल श्रीफल के साथ किया। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 190वीं जन्म जयंती पर भीमसेना, गोंडवाना महासभा, ओबीसी महासभा और लोधी समाज द्वारा अंबेडकर चौक से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसका समापन पेंशनर सदन के सामने किया गया एवं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह लोधी, अरुणा तेलंते रहे एवं क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों ने भी वीरांगना के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वीरांगनावती लोधी अमर रहे, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। 1857 की महान वीरांगना क्रांतिकारी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्मी महान वीरांगना अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म उत्सव 20 तारीख को आज ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में रैली के माध्यम से मनाया गया। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर एक विशाल वाहन रैली और आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें हमारे सहयोगी संगठन जय भीम सेना, GSU संगठन, गोंडवाना महासभा, बौद्ध महासभा, कोईतूर महासभा, बिरसा ब्रिगेड के साथी ने बहुत सहयोग किया है।